ग्रामर का स्टैंडर्ड रूल जो है वो ये है कि नॉट अकेला कभी नहीं आएगा, और जब भी आएगा तो किसको लेके आएगा, 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट। देखो नॉट अकेला कभी नहीं आता, और जब भी आता है तो अपने 24 दोस्तों में से किसी एक को अपने साथ लेकर के आता है। देयर आर 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट इन इंग्लिश, अंग्रेजी के अंदर नॉट के 24 दोस्त होते हैं। ये जो 24 दोस्त होते हैं इनके अंदर आपको मॉडल के बारे में मैंने समझाया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर 13 मॉडल्स, 13 तो मॉडल होते हैं, उनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलियरीज। इसके अलावा 11 अन्य हैं जिन्हें कहा जाता है प्राइमरी ऑक्सिलियरीज। 11 अन्य जो है उनके अंदर आप देखते हैं, सबसे पहले बी वर्ब है। बी वर्ब जो है, बी यानी होना, और मैंने कई बार कहा है कि इसके कितने रूप होते हैं, इज एम आर वाज वर, इज एम आर वाज वर पूरे के पूरे रूप मिलाकर के किसके हैं, बी वर्ब के हैं। 5 रूप हो गए, इज एम आर वाज वर। इसके बाद में एक हैव वर्ब आती है जिसका हैज हैव हैड, 3 रूप उसके होते हैं, 5 × 3 कितने हो गए, 8। और अब आ गई डू वर्ब, डू वर्ब में डू, डज और डिड होते हैं, 3 और मिला दो, 8 में 3 मिलाते 11 हो जाएंगे, और 11 और 13 मिला करके 24 हो जाएंगे। दीज आर द 24 फ्रेंड्स ऑफ नॉट, ये नॉट के 24 दोस्त हैं जिनको अंग्रेजी में एनोमेलस फाइनाइट्स भी कहते हैं। ये शब्द अच्छे से याद कर लेना, एनोमेलस फाइनाइट्स। क्या होते हैं एनोमेलस फाइनाइट्स? ये एनोमेलस शब्द जो है इसके अंत में आप देख रहे हैं OUS आ रहा है। मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि जिन शब्दों के अंत में IOUS या OUS आता है, those words are always adjectives, वो हमेशा होते हैं विशेषण। एनोमेलस फाइनाइट्स का मतलब होता है विशिष्ट फाइनाइट। ये विशिष्ट फाइनाइट्स होते हैं, विशिष्ट, विशिष्ट का मतलब स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक होते हैं। तो इनके अंदर कौन है, 13 तो MA मॉडल ऑक्सिलरीज, और 11 PA प्राइमरी ऑक्सिलरीज। उनमें भी 3 देखो आप डू